क्योंकि पूरी यूनिट पहुंच चुकी है, जवानों को वहां जो घायल है उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। और भी अभी जिस तरीके से बताया जा रहा है कि अभी भी कुछ जवान जो है वो बस में फंसे हुए हैं, तो उन तमाम जवानों को निकालकर जल्द से जल्द पास सबसे नजदीकी जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां ले जाया जाएगा, और जो जवान गंभीर रूप से घायल है उन्हें राजधानी रायपुर लेकर आया जा रहा है, जिसमें की कुछ जवान जो है वो काफी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। बिल्कुल पलाश, ऐसे में डीआईजी ने खुद इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी है, विस्फोट को लेकर पुष्टि की गई है, कार्रवाई कहां तक पहुंची है, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है नक्सलियों को पकड़ने को लेकर? जी देखिए, ये ऑपरेशन जो है वो दंतेवाड़ा और नारायणपुर के बीच में पिछले दो दिनों से जारी था, जिसके बाद नक्सलियों ने जो ये एक पूरी प्लानिंग के तहत इस वारदात को अंजाम दिया है। यहाँ पर नक्सलियों को पता था कि कड़े मेटा से लेकर जो कड़े नार है उसके बीच जो है वहाँ पर डीआरजी के जवानों की बस तब गुजर गई थी। लगातार नक्सली इस पूरे डीआरजी के जवानों की मूवमेंट पर जो है वो नजर बनाए हुए रखे थे, और जैसे ही उनके रेंज में ये बस आई है तो उन्होंने ब्लास्ट किया, और ब्लास्ट के बाद जो है वो बस खाई में गिर गई। फिलहाल जो है वो जवानों को रेस्क्यू करने का काम वहां चल रहा है, रेस्क्यू की टीम पहुंच चुकी है और भी जवानों की टीम वहां के लिए रवाना हो चुकी है, और उस पूरे एरिया को जहां पर ये नक्सलियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है तो उस पूरे एरिया को फिलहाल रेस्क्यू किया जा रहा है, घेरा जा रहा है ताकि और भी कोई अप्रिय घटना ना हो सके। और बात कही जाए अगर नक्सलियों को पकड़ने की, तो चूंकि पुलिस की पहली प्राथमिकता होती है कि जो घायल जवान है फिलहाल उन्हें रेस्क्यू करके लाया जाए, उसके बाद का आगे क्या मूवमेंट होगा ये फिलहाल अभी कह पाना मुश्किल है। पलाश, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, चूंकि अभी अभी हमारे ब्यूरो हेड ओम प्रकाश जी भी हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने बताया था कि नक्सलियों द्वारा राज्य सरकार से चर्चा को लेकर सहमति दर्ज करवाई गई थी, लेकिन सरकार ने ये कहते हुए बात को टाला कि बिना शर्त के बात नहीं होगी, क्या उस वजह से इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया है, क्या कुछ संभावना? जी देखिए, अगर बात की जाए आंकड़ों की तो पिछले 5 साल के आप अगर आंकड़े निकालें तो जैसे ही होली का त्योहार नजदीक आता है तो नक्सलियों की जो वारदात है वो काफी तेज हो जाती है, और लगातार इस तरीके से कभी ग्रामीणों को परेशान करते हैं तो कभी इस तरीके से जो है सीआरपीएफ के या डीआरजी के जवानों को जो है अपना शिकार बनाते हैं, और अपनी जो क्रूरता की जो उनकी ये जो हरकत है उसे बिल्कुल दिखाते हैं ताकि जो दहशत तो वहां पर ग्रामीणों में बनी हुई है और सरकार को कहीं ना कहीं दबाने का झुकाने के लिए ये पूरी जो घटना है उन्हें काम करते हैं। वहीं बात की जाए अगर नक्सलियों के पर्चे की तो नक्सलियों ने हाल ही में पर्चा जो जारी किया था 3 शर्तें रखी थी, लेकिन सरकार ने उन तमाम शर्तों को नकारते हुए कहा था कि अगर समझौता करना शांति वार्ता चाहते हैं तो बिना शर्त के बात की जाए तो तभी सरकार के साथ आपकी बात हो पाएगी, तभी कोई समझौते की स्थिति निर्मित हो सकती है, जिसके बाद नक्सलियों ने इस घटिया हरकत को जो है अंजाम दिया है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर इस पूरे मामले में पहले तो तमाम रेस्क्यू का जो काम होता है उसे किया जा रहा है, घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, जवानों को रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई की बात भी सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है पूरी साजिश के तहत दिया गया है ये जानकारी सामने आ रही है। खुद नारायणपुर के डीआईजी ने इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी है, जहां पर जवानों से भरी हुई बस को विस्फोट कर उड़ाया गया है। ब्लास्ट के समय एक बार फिर से आपको बता दें कि बस में 24 जवान सवार थे, जिनमें से दुखद घटना यह है कि 3 जवानों के शहीद होने की भी खबर है, बेहद दुखद की खबर। हालांकि जो तमाम घायल जवान हैं उन्हें वक्त रहते अभी अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है, जहां पर उनका इलाज जारी है। डीआईजी ने इस पूरे मामले की पुष्टि की है, जानकारी दी है। पूरी खबर पर चर्चा के लिए एक बार फिर से हमारे ब्यूरो हेड ओम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, जिस तरीके से यहां पर अपडेट्स भी सामने आ रही है कि जो आंकड़ा है वो बढ़ सकता है, फिलहाल ताजा अपडेट्स मामले में क्या कुछ है? जी बिल्कुल, ये काफी बड़ी घटना है छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो। काफी दिनों बाद नक्सलियों ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। घटना जो है नारायणपुर जिले की बताई जा रही है। जब सर्चिंग से वापस लौट रहे जवानों की टीम पर नक्सलियों ने एम्बुश लगाकर एक बड़ा धमाका किया, एक बड़ा हमला किया। उसके बाद जो फिलहाल हमारे तक ये खबर अभी पूछ तौर पे तो नहीं, लेकिन ये खबरें आ रही है कि इस हमले में 3 जवानों की शहादत हुई है। फिलहाल पूरे इस बस में 24 जवान सवार थे। इसके बाद
रेस्क्यू टीम रवाना कर दी गई है। हालांकि अभी रेस्क्यू टीम अभी घटना स्थल पर नहीं पहुंची है, लेकिन जैसे ही रेस्क्यू टीम वहां पहुंचेगी इसके बाद ये चीजें क्लियर हो पाएगी कि कितने जवान उसमें शहादत हुए हैं या कितने नक्सली इसमें हताहत हुए हैं। जी बिल्कुल, अब जो घायल जवान है जिनका आंकड़ा 8 बताया जा रहा है, सभी को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्या सभी को पहुंचा लिया गया है या अभी भी कुछ जवान वहां पर फंसे हुए हैं? जी फिलहाल अभी रेस्क्यू टीम जो है वो घटना स्थल पर नहीं पहुंची है, क्योंकि बस्तर का जो इलाका है जहां ये घटना हुई काफी सेंसिटिव इलाका माना जाता है, वहां टीम को जाने के लिए सोचना पड़ता है। लिहाजा अभी हेलीकॉप्टर की मदद से या किसी और तरीके से जवानों को लाने की कवायद की जा रही है। फिलहाल अभी घटना स्थल पर जो है रेस्क्यू टीम नहीं पहुंच पाई, ऐसी हमारे पास सूचना आई है। लेकिन विभाग के जो अधिकारी है वो बता रहे हैं कि जिस तरह से उनसे जो वहां मौजूद जवानों से उनकी बात हुई, इसमें 3 जवानों की शहादत हुई है। जी बिल्कुल, नक्सलियों की धरपकड़ को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है, कार्रवाई को कब तक शुरू किया जाएगा और क्या कुछ उसको लेकर रोडमैप बनाया गया? देखिए नक्सली जो होते हैं वो एम्बुश लगाकर बैठते हैं, वो काफी माहिर होते हैं छापेमार कार्रवाई में, तो वो जो है पहले ब्लास्ट करते हैं उसके बाद गोलियों से अंधाधुन फायरिंग करते हैं। तो इस बीच जवानों को मौका ही नहीं मिल पाता कि वो किस तरह से संभले, पहले ब्लास्ट करेंगे गाड़ी पलटी उसके बाद अंधाधुन वहां फायरिंग शुरू हो जाती है। तो फिलहाल अभी ऐसी स्थिति नहीं आई है कि नक्सलियों की धरपकड़ हुई है या नक्सली जंगलों की आड़ लेकर फरार हो गए हैं या कितने नक्सली हताहत हुए इस मामले में, अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा उसके बाद ये सारी चीजें क्लियर होती जाएगी कि किस तरह से वहां पे घटना को नक्सलियों ने अंजाम दिया और उसके बाद कितने नक्सलियों की वहां मौत हुई, साथ ही कितने जवानों की शहादत हुई है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप जिक्र आप कर रहे हैं कि धरपकड़ में खास तौर पर जिस तरीके से छापेमार कार्रवाई है उसमें माहिर होते हैं नक्सली, आंकड़े को लेकर क्या कोई जानकारी मिल पा रही है कि कितनी तादाद में नक्सली यहां पर पहुंचे थे? जी फिलहाल अब इस संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से नक्सली किसी घटना को वारदात देते हैं तो इससे यही उम्मीद जताई जाती है कि 50 से 60 नक्सली उस एक दलम में रहते हैं, उनके नक्सली जो हैं 50 से 60 एक दलम में उनके रहते हैं, उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया या फिर और भी दलम के जो लोग हैं वो इस घटना में शामिल थे। कितने लोग शामिल थे अभी फिलहाल नक्सलियों के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन बस में सवार जो 24 जो हमारे शहीद 24 जवान हैं जिसमें थे 3 शहीद हुए हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर या फिर उन्हें तुरंत चिकित्सा सुविधा मुहैया हो जाए इसे लेकर प्रशासन अलर्ट है और जल्द ही इस संबंध में कोई नई चीजें खुलकर सामने आ सकती है। जी बिल्कुल, यहाँ पर कार्रवाई भी आगे बढ़ाई जाएगी और कितने नक्सली थे उनके धरपकड़ को लेकर भी यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ओम प्रकाश जी सुरक्षा को लेकर भी बना हुआ है। खुद जवान यहाँ पर, पुलिस यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, क्षेत्र की जनता को सुरक्षा मुहैया करवाना कितनी बड़ी चुनौती? जी बिल्कुल, करीब 2 दशक से बस्तर का जो इलाका है वो काफी सेंसिटिव इलाका माना जाता है। हालांकि विकास के साथ ही अभी परिस्थितियां थोड़ी बदली है, ये कह सकते हैं कि अभी पूरी तरह से ठीक हुआ है ऐसा नहीं कह सकते। आज भी वो इलाका जो है बारूद की ढेर पर बैठा हुआ है, नक्सली जब चाहे कहीं भी अपनी घटना को अंजाम दे सकते हैं। पुलिस वाले भी काफी तादाद में वहां हैं, कई सशस्त्र बल के जवान वहां मौजूद है, बीएसएफ के फोर्स हैं, आईटीबीपी के जवान वहां मौजूद हैं, जिला पुलिस बल वहां मौजूद है, काफी तादाद में वहां जवानों की मौजूदगी है। बावजूद इसके कहीं ना कहीं से कोई सूचना तंत्र में खूब चूक हो जाती है या फिर अगर हमारा खुफिया विभाग ही इसमें कोई घटना की जानकारी नहीं ले पाता, लिहाजा इस तरह की जो घटनाएं हैं वो सामने आ जाती है। जी बिल्कुल, अपने आप में बेहद चिंता का विषय भी है, वो इस लिहाज से भी क्योंकि सक्रियता जो है नक्सलियों की वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।